नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संत शिरोमणि रैदास जयंती बुधवार को बेंगाबाद अंबेडकर भवन में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष छोटे लाल दास ने कहा कि संत शिरोमणि के मार्गदर्शन पर हम सभी को चलने की जरूरत है। आज हमारा समाज तितर बितर हो रहा है, आपस में सद्भाव सद्बुद्धि बनावें, साथ ही समाज को सशक्त करने में अपनी अहम योगदान दें। कहा कि संत रैदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास भी किया। सभी मायनों में देखा जाए तो मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास ने रखी। वे समाज में फैली जातिगत ऊंच नीच के धुर विरोधी थे और कहते थे कि सभी एक ईश्वर की संतान हैं। जन्म से कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ लालच दुख दरिद्रता भेदभाव ना हो। रविदास समाज के संत बाबूलाल दास ने कहा कि जब तक मेरी समाज के लोग एक सूत्र में नहीं बंधेंगे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। समाज सेवी प्रेमचंद रविदास ने रैदास जयंती पर गहरा प्रकाश डाला, कहा कि इसके लिए महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, तभी हमारा समाज विकास के पायदान पर कदम रखेगा। इसके पूर्व संत शिरोमणि की तस्वीर पर सामूहिक रूप से मलर्पण करते हुए पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज उस महापुरुष के हम लोग जयंती मना रहे हैं जो इस दलित जन को राह दिखाने वाले महापुरुष। आज 645वां जयंती मनाया जा रहा है और इस जयंती समारोह के तहत हम सभी मानव को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने शिक्षा दिया है जो हम सबों को ग्रहण करना चाहिए।